अपने पाकिस्तान के मुताबिक अगर असम्बली अपने मुकर्रा वक्त पर तहरील हो जाए तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराना होते हैं। अगर यही असम्बली अपने वक्त से पहले मतलब 5 साल मुद्दत से पहले तहरील हो जाए तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराना होते हैं। पाकिस्तान में निगरान हुकूमत का क्याम आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 224 के तहत अमल में लाया जाता है और इसकी सब क्लास 58-58 के तहत असम्बली तहरील कर दी जाती है और निगरान हुकूमत के लिए निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म और कैद हिज़्ब इख़्तिलाफ़ निगरान वज़ीर आज़म को तैनात करते हैं। पाकिस्तान में निगरान हुकूमत की असल ज़िम्मेदारी नई मुंतखब होने वाली हुकूमत के इंतजाम संभालने से पहले तक रोज़मर्रा के अमूर संभालने तक होते हैं। निगरान हुकूमत के पास मुंतखब हुकूमत की तरह इख्तियार नहीं होते जैसा कि पॉलिसी साजी और फैसले करना वगैरह। लेकिन 26 जुलाई 2023 में पार्लियामेंट के मुश्तरक अजलास में इलेक्शन एक्ट 2007 के सेक्शन 230 में तरमीम की गई है जिसके बाद अब निगरान हुकूमत के पास रोज़मर्रा के हुकूमती अमूर जारी मंसूबों प्रोग्राम के मुतालिक इख्तियार हासिल होंगे और अहम पॉलिसी फैसले भी कर सकेगी। अब देखना यह होगा कि अब निगरान हुकूमत 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराती है या इसको मज़ीद आगे लेके जाती है।